पुलिस प्रशासन डाल डाल तो शराब माफिया पात पात। लगातार पुलिस द्वारा सघन छापेमारी चलती है। शराब कारोबारी पकड़ाते भी हैं तो भी अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं। सबसे खास बात यह होती है कि जिस बोरा में इस प्रकार के अवैध सामग्री आते हैं, नज़र से देखा जाए तो आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें शराब है। पूरी तरह साफ सुथरी एवं अच्छे बोरे में इसको पैकिंग किया जाता है। एक नज़र से आपको यही पता चलेगा इसमें कोई खाद्य सामग्री है या कहीं पार्सल जा रहा है। जब पुलिस की नज़र पड़ती है तो सारा खेल सामने आ जाता है। पुलिस को देख के शराब माफिया भाग जाते हैं। इसी क्रम में आज सुबह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बापू चौक के पास गश्ती दल, जिसमें सब इंस्पेक्टर अमृता सिंह बैठी हुई थी, उन्हें नज़र पड़ी। उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 1290 बोतल 300 ml का नेपाली सोफिया हुआ बरामद। एक नज़र से आपको देख यही लगेगा कि इसमें कोई दूसरा पदार्थ है, लेकिन जब पुलिस की नज़र जाती है तो सभी मामले सामने आ जाते हैं। लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चलाती है, लेकिन तो अभी जो शराब से कारोबार से जुड़े लोग हैं अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं। इसी क्रम में बड़ी मात्रा में विश्वविद्यालय थाना ने पकड़ी एक कार से 1290 बोतल नेपाली सोफिया 300 ml का। इसका नंबर है WB02V1584। ये फर्जी नंबर भी लोग चलते हैं लेके, लेकिन पुलिस की नज़र से बच नहीं पाएंगे। दो लोगों को नामजद किया गया है, जिसका नाम गुड्डू महतो, एक आरोपी का नाम गुड्डू महतो, दूसरे आरोपी का नाम कुंदन महतो है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा।